जरूरी है कि आज की जनरेशन को बताया जाए कि हमारी कंट्री में क्या हुआ था, किसने हमें फ्रीडम दिलाया, कितना इम्पोर्टेंट है आज के सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमारे जो पेरेंट्स थे उनको, जिन्होंने मतलब देखा था, संघर्ष देखा था, किस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ, कितनी सैक्रिफाइसेस गई, लोगों को जानते थे आसपास जिन्होंने उसके लिए अपना सैक्रिफाइस किया, कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन आज की जनरेशन को बताना, क्योंकि जब नाम आता है फ्रीडम फाइटर्स का, कुछ चंद नाम आते हैं और कुछ चंद स्टोरीज, एंड आजकल के बच्चों को शायद उतना इंटरेस्ट भी नहीं है टू फाइंड आउट एंड गो बैक, बट वी हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग इनफ फॉर देम टू टेल देम दीज ब्रेव स्टोरीज, टू टेल दम कितना डिफ़िकल्ट था, कितनी पॉलिटिक्स हमारे बीच में ही चल रही थी, हमारे लोग ही हमारे दुश्मन थे, उसमें से हमारे लोग कितने स्ट्रॉन्ग थे, उसमें से कई औरतें कितनी स्ट्रॉन्ग थी। तो ये एक ऐसी ही औरत की कहानी है जिसने सुभाष चंद्र जी के नीचे जो आर्मी थी वो ज्वाइन करी, और फिर उनका जो अपनी पर्सनल स्टोरी थी कि उनके हस्बैंड ब्रिटिशर्स की तरफ थे, वो आज़ादी चाहती थी, उनके बीच कितने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, फिर उनको कैसे लगा कि मैं अपने पति का खून करूं बिकॉज ही इज ट्राइंग टू किल नेताजी, बिकॉज माय नेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। दैट होल कॉन्सेप्ट इज सो स्ट्रांग, एंड यस, आजकल के लोग, बच्चे जब देखेंगे, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे देखें, दे शुड नो किस तरह से लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, सेक्रीफाइस किया है हमारे देश के लिए, और उनको भी आगे जाके करने की एक इच्छा होनी चाहिए। एंड ऐसी फिल्म्स यही जागरूक करती हैं आपकी वो अंदर की इच्छा टू डू समथिंग एंड टू बी नेशन प्राउड एंड टू नो योर हिस्ट्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैम आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैम ने कहा कि बहुत सारे यूथ को ये पता भी चलना चाहिए, और मैम ने ये भी कहा कि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इनकी कहानी जानने के लिए, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मीरा जी के बारे में, तो क्या रिसर्च करनी पड़ी? और हमने देखा कि जो लुक है वो, अगर थोड़ा सा बताए कि रिसर्च के बारे में कि उनसे जानकर बाद में वी मेड द स्क्रिप्ट रेडी। एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट मेकिंग हर बायोग्राफी, सो ऐसा नहीं दिखाना है, बिकॉज बचपन से तो एनीबडी विल ग्रो अप लाइक दैट ओनली, बट उनका पेट्रियाटिज्म कब से आया देश के लिए, कब से, इवन व्हेन शी टचेस द पिस्तौल शील रिमेंबर भगत सिंह जी, सो व्हेन भगत सिंह जी टॉट हर हाउ टू होल्ड द राइफल, तो वो सभी ना उसके, नीरा आर्या वॉज वेरी लक्की क्योंकि उनके ज़िंदगी में इतना कुछ ये सब था, शी वेंट थ्रू वेरी पेन, टू मच ऑफ पेन, एंड यू नो ब्रिटिशर्स दे हैड पुट हर इन काला पानी, एंड वो लोग पूछेंगे बोलो सुभाष चंद्र बोस जी किधर है, वो मेरे दिल और दिमाग में है करके बोले, तो दे कट हर ब्रेस्ट ओनली, दे कट हर ब्रेस्ट एंड उनको पानी में डाल देंगे। सो इतना कुछ होकर भी शी वॉज वेरी ब्रेव, तो हमारा इंडियन भारत के नारियों को ये जानना है कि उनका घर संभालने के लिए ही वो लोग, वो मेरा इतना तकलीफ है, भगवान ने इतना कुछ दे दिया मुझे, ज़िंदगी में इतना कुछ बिता रही हूँ करके वो लोग बोलते हैं, नो, इन एवरी स्टेप यू नो वी हैव टू बी लाइक मीरा आर्या, सो दिस फिल्म हैज़ टू बी अ यू नो मोटिवेशनल थिंग फॉर एवरी यंगस्टर एंड इवन फॉर माई जनरेशन और प्रीवियस जनरेशन ऑल्सो, इवन इफ माई मदर और somebody's मदर वॉट्स इट, शी शुड थिंक एटलीस्ट माई लास्ट एज ऑफ माई डेज आई शुड डू समथिंग फॉर माई कंट्री, तो उन लोगों को वो आना चाहिए, ज़िंदगी से नहीं डरना है, तो इतना लोग इतना तकलीफ दिए तो भी यू हैव टू गेट अप गेट अप गेट अप एंड ज़िंदगी बिताना है, इट इज़ अ ट्रूली मोटिवेशनल फिल्म। तो आई माई सेल्फ आई वॉज मोटिवेटेड, इवन आई फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वाइल रिसर्चिंग द स्टोरी, आई वेंट टू सो मेनी प्लेसेस एंड समबडी टोल्ड मी आई एम मेकिंग अ फिल्म, आई एम मेकिंग अ फिल्म, आई सेड नहीं कोई भी बनाइए बट आई वॉन्ट टू डू द फिल्म, तो बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम अ जर्नलिस्ट, आई रोट मेनी थिंग्स एंड आई वेंट एंड मेट एंड आई डिड रिसर्च, देन आई सेड लाइक दिस इज़ अ ब्यूटिफुल सिनेमा विच आई वॉन्ट टू गिव इट बैक टू माई कंट्री। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि जब इस तरह के सब्जेक्ट पे बात होती है तो आपको लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, जो इन्फॉर्मेशन लोगों को पता है वो सही उनको डिलीवर करना है, क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव भी है कि सही चीज़ें उनको बताई जाए, एज एन एक्टर एब्सोल्युटली लॉट ऑफ प्रेशर, दैट्स व्हाई शी सेड दैट शी इज बीन डूइंग रिसर्च फॉर 3 ईयर्स, क्योंकि सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, और यस लाइक यू सेड सेंसिटिव भी है बिकॉज मिस इन्फॉर्मेशन
नहीं हो और कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ ये कहानी मतलब स्पेशली मतलब हमारे फ्रीडम के टाइम की हर चीज़ ज़्यादातर मतलब है, मतलब लिटरेचर में है, इट हैज़ बिन डॉक्यूमेंटेड. सो यस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. टू ऐड दिस आई वांट टू से इवन वन यू नो द बैज, इवन इन कालापानी ब्रिटिशर्स यूज टू गिव वन नंबर नंबर टू दैट पर्सन, इवन दैट मैटर्स अ लॉट. सिर्फ फिल्म दिखाने के लिए absolutely. Today also I feel like the history that we were taught in school, there were so many things which wasn't needed, which was not inspiring to know that, you know, we were always dominated upon, we were always crushed, we were always ruled upon by some race that kept coming. To have spoken about heroism like this, women heroes, would have been a lot more inspiring and would have been definitely appreciated if it was a part of the syllabus, if it was taught to us and we were made to read. Yes, absolutely. While doing the research, what were the many more information which you got to know by the villagers, I wanted to see many things. I did not wanted to share it here, but I wanted to watch it in the film, which gives you goosebumps and will start crying. Really, when women can do all these things, करके उतना होकर भी वो she did not commit suicide. उतना होकर भी उन्होंने ज़िंदगी चलाया. So she finished her complete life. So I want you to watch it. प्रोड्यूसर से जानना चाहूँगा कि इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना कितना इम्पोर्टेंट था. जैसे मैंने कहा कि इस तरह की कहानी ज़्यादा लोगों तक पहुँची नहीं, और आप लोगों को जब अप्रोच किया गया क्या रिएक्शन था, एंड कितना ज़रूरी है इस तरह की फिल्म को बैक करना. एक्चुअली देर इज़ नो रिएक्शन. दिस प्रोजेक्ट इज़ फॉर माई वाइफ, शी वॉन्टेड टू डू, सो आई हेल्प हर, आई हेल्प रूपा जी टू मेक दिस फिल्म. एब्सोल्युटली. जैसे मुझे खुद नीरा के बारे में इतना पता नहीं था, तो बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज हैं, एंड यस, अगर उन पर फिल्म बनेगी तो इट बी अ गुड स्टोरी टू टेल, एंड विल बी वेरी इंस्पायरिंग, एंड इट विल बी अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू देम. सो डेफिनेटली वी शुड मेक मोर फिल्म लाइक दिस. Mom, after for this, many more fans are like very much excited to know that is it. So are they going to see you in any of the upcoming new projects? Because every now and then, whenever we see that movie, we are like, when are we going to see something new? Now that there are so many women-centric films being made, I'm very, very optimistic, and I've already begun work. I finished one film with Mr. Anupam Kher, Signature, which should be out soon, and I'm also working on Emergency with Kangana Ranaut. She's also producing, directing, and acting in it herself. Another very, very brave girl, and I'm playing Kukul Jaikar, who was her close confidant. So I'm playing, yeah, and I'm doing some short films as well. So yeah, I've got back and I'm just hoping to get something very, very interesting. To all the dignitaries, at the last, from the last 2 years, we are seeing because of the all the situations which are happening, we are not making any of the festive seasons as we used to make before. So this Diwali, what you all are planning for and what you would like to see to the all the fans for this Diwali? I mean, I saw pictures of Diwali shopping going on in Delhi and Bombay and all. I was watching it on YouTube. It's amazing. I think after 3 years, people are finally going to, you know, wo jo apni